क्या बताओ, लोग कहते हैं महाराज अजय सिंह मर चुके हैं। नहीं नहीं, ये महाराज अजय सिंह है। मैं खबर जाके अभी अनवर से इसी वक्त बताती। कहाँ जा रहे हो मेरी जान? हराम जादी, तू फिर आ गया। अरे क्यों नहीं आऊंगा? अरे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ ना। लेकिन मैं तुझसे नहीं करती, चला जा यहाँ से। कब तक जवानी छुपाओगी रानी? कभी ना किसी की बनोगी, सिर्फ शेर सिंह की। आराम जादी, अभी मारूंगी ना, दिमाग सही हो जाएगा। आ तो तुम मेरे साथ मेरी हवेली तक जरूर जाओगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन तो तुमको विजय राज कुमार बचा लिया है, लेकिन आज तुमको यहां पर कोई नहीं बचा सकता। देखता हूं तुम मेरे साथ मेरी हवेली तक कैसे न जाती हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत खबरदार शेर सिंह, ठहर जा वही। बस खबर पाएगा। था दिया छोड़ मैंने तुझे उस दिन, आज मुल्क अदम की डगर जाएगा। तो ये तो अच्छा हुआ जो कि तू आ गया, ये तो अच्छा हुआ। ये तो अच्छा हुआ जो कि तू आ गया, आज बचकर यहां सेना तू जाएगा। आज उस दिन का बदला चुकाऊंगा मैं, आज मुल्क के आदम की डगर जाएगा। बाल दो हरामजादे को। उस दिन तुम विजय राजकुमार के साथ में रहकर अपने आप को साले बहुत बड़ा सूरमा समझ रहे थे। क्या कह रहा था कि जैसे हमारे ब्रदर में लोग बकरे को हलाल करते हैं, हाँ अंडर उठा के लेकर आ रहे, साला मेरे गिरे वाल पर हाथ डालने की जरूरत किया क्या? उस दिन तो साले मेरे हाथों से बच गए थे, लेकिन आज साले हथकड़ी खोल दो मैं तुम्हें जिंदा लूं। अगर चाहूं तो मैं तुझको इस वक्त शूट कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि दुश्मनों को तड़पा तड़पा के मारना शेर सिंह को मजा आता है। आज तेरे आंखों के सामने
मैं सरोज को लेकर जा रहा हूं, अगर तुझमें दम है तो रोक ले इसे। हराम जाते, तू सरोज को यहां से नहीं ले जा सकता। इसको पेड़ में बांध दो रे। अब तुझे सारे यहां कोई खोलने नहीं आएगा, इसी जंगल में तड़प तड़प के चले तू मरेगा। और शेर सिंह सरोज को लेकर जा रहा है। या भगवान, बच्चों को ढूंढते ढूंढते रोज सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, ना जाने कहां चले गए मेरे बच्चे। मैं ढूंढता हूं जिनको रातों को ख्यालों में, मैं ढूंढता हूं जिनको रातों को ख्यालों में, वो हमको मिल सके ना, वो हमको मिल सके ना सुबह के उजालों में। मैं ढूंढता हूं जिनको रातों को ख्यालों में। सुहानी प्यार की बातें मेरे दिलदार की बातें, सुहानी प्यार की बातें मेरे दिलदार की बातें, कभी इकरार की बातें कभी इनकार की बातें, एक दर्द सा जगा है, एक दर्द सा जगा है दिल के हसीन छालों में। मैं ढूंढता हूं जिनको रातों को ख्यालों में। तू भी नहीं बचेगा, मेरे बच्चों को गायब कर दिया, तू भी नहीं बचेगा, भाग जा तू, भाग जा तू, यहां से कहीं दूर चला जा, नहीं तो वो लोग तुझे मार डालेंगे, मैं तुझे आजाद कर दूंगा, भाग जा तू। तारा कितनी बड़ी बेवफाई की है तुमने मेरे साथ, मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकता। तेरा नाम जाने वफा है मगर तू बड़ी बेवफा है, मेरी जान तुझ पे फिदा है मगर तू बड़ी बेवफा है, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो
ये मेरी मुहब्बत की तौहीन होगी, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मुहब्बत की तौहीन होगी। भारी बस्म में तुझको रुसवा करूं तो, भारी बस्म में तुझको रुसवा करूं तो, ये मेरी सराफत की तौहीन होगी, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मुहब्बत की तौहीन होगी, तेरी बेवफाई। ना मेले में होगी ना महफिल में होगी, ना मेले में होगी ना महफिल में होगी, ये आपस की बातें अकेले में होगी, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो, ये मेरी शिकायत की तौहीन होगी। सुना है तेरा और भी एक बलम है, सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर गम न कर तुझको मेरी कसम है, तुझे बेशरम पे मुरव्वत करूं तो, ये मेरी मुरव्वत की तौहीन होगी, तेरी बेवफा। भैया भैया भूख लगी है भैया। हाँ भैया आपके भी भूख लगी है भैया। भैया आप बोल नहीं सकते और मैं देख नहीं सकती, मुझे गांव तरफ ले चलिए भैया। मैं लोगों से भीख मांग मांग कर अपना पेट पालूंगी और आपका भी भैया। हाँ भैया नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल। आएगा बुलावा तो जाना पड़े, तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा भैया।
ना किसी का नहीं चाहिए दिल। सोहरत यही बार रह जाएगी, पारी रहे जाएगी भैया। सोहरत यही पर रहे जाएगी, दालत यही पर रहे जाएगी, नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभाल, तुमको बुराई आरो में निकालो भैया। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई आरो में निकालो, नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का भैया। भगवान, ये बालक बोल नहीं पा रहा है, इस बालक की जुबान नहीं है, और जो कन्या है इसे दिखाई नहीं पड़ती। इशारे में बता रहा इसे सर्प ने डस लिया है। अरे वाह भोलेनाथ, इन बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी कठोर दंड दे रहा है। अरे तुझे तरस आनी चाहिए, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा भोलेनाथ, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगूंगा और तुझे देना होगा सिर्फ बच्चों की जिंदगी। अरे दिखा दे चमत्कार अपनी, दिखा दे भोलेनाथ, दिखा दे। ओ नमः शिवाय, भैया भैया मैं देख सकती
भैया। हाँ भैया। भैया हाँ भैया, मैं सबको देख सकती हूँ भैया। आप भी बोलिए ना भैया, बोलिए ना भैया, तुम्हें मेरी कसम भैया, आप भी बोलिए ना। हाँ भैया बोलिए भैया। भैया पिंकी, सबसे पहले इन महात्मा के पैर छुओ, इन्होंने हमें नया जीवन दान दिया। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? बेटा मेरा नाम, हाँ मेरा नाम विजय सिंह है बाबा जी। तुम्हारा नाम विजय सिंह है? हाँ बाबा जी। और ये कन्या कौन है? ये मेरी बहन पिंकी है। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम पिंकी है बाबा जी। ये तुम्हारी बहन पिंकी है? तुम कहाँ के रहने वाले हो बेटा? बाबा जी मैं आसाम देश का रहने वाला हूँ। क्या कहा बेटा, तुम आसाम देश के रहने वाले हो बेटी? हाँ बाबा जी। तुम्हारा नाम विजय है, ये तुम्हारी बहन पिंकी है, लेकिन ये बताओ बेटा तुम्हारे पिता श्री का क्या नाम है बेटा? वो कहाँ है इस समय? बाबा जी मेरे पिताजी का नाम महाराज समर सिंह है और वो इस समय वियाबान जंगल में तपस्या करने गए हैं। क्या कहा बेटा, तुम्हारे पिताश्री का नाम महाराज समर सिंह है बेटा? हाँ बाबा जी। तुम्हारे पिताश्री इस समय वियाबान जंगल में तपस्या कर रहे हैं। अरे बेटा 12 साल की तपस्या करने के बाद आज मैं वापस आया हूँ बेटा। क्या? और मेरा ही नाम महाराज समर सिंह है बेटा। सच पिताजी? हाँ मेरे पिताजी। पिताजी पिताजी कितने दिनों के बाद आए हैं आप, सब कुछ तहस नहस हो गया पिताजी। घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। हाँ पिताजी। लेकिन ये बताओ बेटे कि तुम्हारे बड़े भाई अजय सिंह कहाँ है बेटे? पिताजी भैया को न जाने क्या हो गया पिताजी, वो किसी को नहीं पहचानते पिताजी। क्या वो किसी को नहीं पहचानते? नहीं पिताजी। लेकिन है कहां पर वो? पिताजी इस समय भैया इन्हीं वियावान जंगलों में भटक रहे हैं पिताजी। अरे क्या कहा बेटा? हाँ पिताजी। मेरा लाल इन्हीं वियावान जंगलों में पागलों की तरह भटक रहा है। अरे बेटा मुझे मिलाओ, मुझे मिलाओ उसे बेटे। चलिए पिताजी चलिए। या भगवान अब तो बच्चों के मिलने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। कैसी दुनिया बनाई है भगवान तूने? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? तूने काहे को दुनिया बनाई?
छुप तमाशा देखे, छुप छुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे। भैया भैया, मैं विजय भैया, मैं अपने बच्चों को ही तो ढूंढ रहा हूं, ना जाने कहां चले गए मेरे बच्चे। भैया कोई नहीं बताता कि मेरे बच्चे कहां चले गए। आपको क्या हो गया भैया? मैं आपका विजय भैया। नहीं, तू मेरा विजय नहीं हो सकता। रोज बच्चों को ढूंढता हूं मैं, ढूंढते ढूंढते मेरे पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन ना जाने कहां चले गए मेरे बच्चे। एक बात बताऊं तुम सबको? कौन सी बात भैया? जो वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, अरे उसके मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता भी हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है आदमी खिलौना। अनवर मेरे दोस्त, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। मैं तो पानी की बुलबुले की तरह फूट कर बिखर गया हूं। अनवर तू ही बता मैं क्या करूं। विजय भाईजान को किस किस चीज का ज्यादा शौक था, खाना खाने का? नहीं अनवर। या कपड़ा पहनने का? नहीं अनवर। या गीत गाने का? हाँ अनवर, भैया को गीतों का बहुत शौक था। जब मैं और पिंकी राजमहल में रूठ जाते थे ना, तो भैया हमें मनाने के लिए यही गीत गाया करते थे। मेरे दोस्त विजय, चलो सब लोग मिल करके भाईजान के सामने यही गीत गाया जाए, हो सकता है उनकी याद ताज़ा लौट सकती है। ठीक कहता है अनवर, तू चल मेरे साथ। चल। आगे।